जय सियाराम, हरिओम। साक्षी नाम है एक लड़की का, एक बेटी का नाम है साक्षी। आपकी बेटी का क्या नाम है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बेटियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी है तो आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं राष्ट्र की जिम्मेदारी है, नहीं कानून की जिम्मेदारी है, नहीं राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। एक साक्षी बेटी है ना, जो मेडल लेके आई थी, उनका धरना प्रदर्शन भी ख़त्म हुआ है, तो वो मजबूत बेटी थी, लेकिन राजनीतिक लोग उसके पीछे रहे होंगे। तो प्रियंका गांधी से लेके वो जो किसान नेता से लेके वो जो कम्युनिस्ट से लेके वो जो महिला कमीशन की चेयरपर्सन से लेकर के सारे उसके धरने प्रदर्शन में आए, बेटी बचाने के लिए आए कि बेटी है धरने पे, साक्षी मलिक। और ये दूसरी बेटी है साक्षी, साहिल ने उसको मारा है बीच सड़क पे, सीसीटीवी में आया है, 20 बार चाकू से गोदा है, फिर पत्थर से उसके सिर को वो जब उसको चाकू से गोद रहे थे तो चीखी चिल्लाई, लोग उसों के गुजरे, किसी ने नहीं देखा। अब लोग कह रहे हैं अखबार में से लेके और टेलीविज़न मीडिया में न्यूज़ चैनल वाले सब कह रहे हैं कि हिंदुओं की नपुंसकता के कारण साक्षी मारी गई। कुछ दोगले लोग भी हैं, वो कह रहे हैं, वो रजत शर्मा को मैंने सुना कहते हुए, क्या अब पिता अपनी बेटी को ये कहे मजहब देख के दोस्ती करो? दोगले लोग हैं, मुसलमानों से क्यों दोस्ती करेगा कोई हिंदू, किस बात के लिए? क्या एक है? मतलब आप हिंदू हैं, आप सफ़ेद हैं, वो मुसलमान तो ब्लैक है, काला है, रिवर्स है ना हर चीज़। तो वो चाकू से गोदा जाए आपकी बेटी, इसीलिए कहे दोस्ती करो ना ना, ये दोगलापंथी है। आप अपने बच्चों को तो खैर इतना बताइए ही, मुसलमान थे क्यों दोस्ती करेगा आपका बेटा या बेटी या आप या कोई भी, क्या मतलब है? जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ वो तो है ही, देश तो उसका भी है, क्योंकि यहाँ रह रहा है, क्या करेंगे आप, है ना? अब ये साक्षी की बात मैं कर रहा था कि जब उसको चाकू, 16 साल की लड़की थी, माइनर बेटी थी, और लोग उसको जो चीखने वाले, जो चीख की आवाज़ इनके कानों में गई थी, वो गूंगे बहरे हो गए थे। तो ये आपको ओमान भी ये गूंगा बहरा कौन बनाता है, व्यवस्था बना देती है। एक बार चला था कि गुड समारिटन, कि अगर सड़क पे कोई दुर्घटना हो तो आप बचाइए, पुलिस को फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, और आपको पुलिस पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी, आपको सम्मान दिया जाएगा, ऐसा एक मूवमेंट चला था। तो लोगों को लगा था कि पहले तो एक बार पुलिस एक्सीडेंट हो गया रोड पे, आप फ़ोन कर दी तो आपकी ज़िंदगी खलास, ख़त्म, जाओ पुलिस थाने, गवाही देते रहो, कहाँ जा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या करते हो, अपनी जन्म पत्री दो, और फिर जगह पे कैसे पुलिस को कैसे फ़ोन किया, आपने तो ह्यूमैनिटी दिखाई। दूसरे केस में अभी ये जो साक्षी मारी गई है, वहाँ अगर कोई चला जाता, उसे तो पता नहीं कोई मुसलमान लड़का है किसी हिंदू लड़की को मार रहा है, ठोक रहा है, चाकू गोद रहा है, उसको तो लगेगा कि एक अपराधी है और एक लड़की को मार रहा है, इसलिए जाएगा बचाने ना। बाद में पता चलेगा कि लड़का मुसलमान था, तो मुसलमान था तो उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र है, चाहे वो कितना ही बार अपराधी है, खूंखार है, कानून की सत्ता तक उसके साथ है। वो जो श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा था, उसके लिए जज साहब ने कहा था कि अब श्रद्धा के कारण उसका जो मानसिक स्थिति और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए उस अपराधी के लिए। और जितने भी खूंखार आतंकवादी अपराधी हैं, मतलब अदालत से सज़ा भी मिल गई है, उसके लिए भी उलेमाएं हिंद जैसे कई संस्थाएँ उठ के खड़ी होती हैं कि हम कानूनी मदद देते हैं, उनके लिए पैसे खर्च करते हैं।
और ये सब सरकार जो है आज की सरकार जो है तृप्ति करण की सरकार है उसको सूट करती है। अब तो राजदंड आ गया है, धर्म दंड आ गया है, अब राज दंड धर्म दंड के सहारे अब न्याय होगा। ये महामानव की महामानव क्यों है? महामानव इसीलिए है कि हिंदुओं का विनाश के लिए हिंदुओं को इतना सम्मोहित किया कि हिंदू उसे वोट दे, एक बार नहीं दो दो बार वोट दिया, सत्ता बनाई, सरकार बनाई और शायद अगली बार भी आए। तृप्तिकरण की पराकाष्ठा की हुई है ना, 300 जो वो क्या कहते हैं योजनाएं हैं मुसलमानों के लिए हैं, उनकी तरक्की के लिए है। और इस देश में आज़ादी के बाद के बंटवारे के बाद के भारत में आज तक तो धर्मांतरण पे कानून, धर्मांतरण पे पूरी तरीके से रोक लगे, कानून बना ही नहीं, क्योंकि धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगे ये कानून नहीं बना। इसका मतलब ये है कि धर्मांतरण जो है लोगों का मौलिक अधिकार हो गया है, मेरा धर्म है, मेरा ईमान है, तो क्या हम अपने धर्म की, अपने मजहब की, अपने ईमान को बढ़ाने की कोई काम ना करें? ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है। तो लो, जब मूलभूत अधिकार आपका हो गया अपने ईमान को बढ़ाना, लोगों को प्रेरित करना, धर्मांतरण कराना, और फिर आपके मजहब में जन्नत जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, काफिर औरतों को अगर आप हासिल करो तो भी जन्नत मिलती है, किसी एक को ईमान में ले आओ तो जन्नत मिलती है, और जो काफिर हैं वो वाजिब कत्ल तो होते ही हैं, ये सब जो माइंड सेट है उसके विरोध में एक कोई राष्ट्र सत्ता ही खड़ी हो सकती है, कानून के सहारे खड़ी हो सकती हो तो है नहीं। तो साक्षी आपकी बेटी है या आपकी बेटी का नाम जो भी हो, अगर उसको कोई चाकू से गोद रहा होगा तो कोई देखने नहीं आएगा, उसको कोई पत्थर से थोर रहा होगा तो कोई देखने नहीं आएगा, देखने इसलिए नहीं आएगा उसका कोई फायदा नहीं है, वो खुद, हाँ, लेकिन अगर वो आपकी बेटी है तो आपको देखना पड़ेगा, आपका बच्चा है तो आपको देखना पड़ेगा, और आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि आपका अस्तित्व वही है, आपकी जिंदगी वही है, आप तो खत्म ही हो जाएंगे उसके बिना, आपको जीने का कोई आधार ही आपका वही है। तो आप, पहली बात तो ये है कि कोई हिंदू नपुंसक नहीं है, इसीलिए कि सिस्टम ने उसको बनाया हुआ है। अब सोचिए ना, सिस्टम ने नुपुर शर्मा को क्या किया, तो पूरा सिस्टम ही एक तरह से नपुंसक हो गया ना। एक 140 करोड़ के देश में एक नुपुर शर्मा को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, छुप के वो बैठी हुई निकलेगी तो काट दी जाएगी। जो राष्ट्रीय स्तर की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, नुपुर शर्मा को इस धरती पर जो भी अवेयर है सब जानते होंगे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि साक्षी जो की जो हत्या हुई है वो एक आम हत्या है, उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। पिछले बार भी कई हत्याएं ऐसी हुई हैं, तो हम इस देश में रह रहे हैं तो ये सोच के रहिए कि अगर आपके बच्चे का संपर्क किसी मुसलमान से होता है तो परिणति ये हो सकती है। अब ये जो दोगले लोग कह सकते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को ये कहें कि मजहब देख करके दोस्ती करो, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा समझाएंगे उनको कि तुम्हारा दादा ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा आचार विचार संस्कार ये है, उनका अलग है इससे। जब तक हम ये नहीं समझाएंगे, अपने बच्चों को रक्षा नहीं दे सकते हैं, जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। और इस देश में जो हम जी रहे हैं, जो भारत है, जो बंटवारे के बाद का तथा कथित हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे महामानव ने, मोदी जी ने, मोदी राज ने विनाश लीला चला दी है, तृप्तिकरण की पराकाष्ठा कर दी है, और ऐसी घटनाएं, ऐसी हत्या की घटनाएं आम घटनाएं हो गई हैं, आम बात हो गई है, इसका सामान्यीकरण हो गया है, जनरलाइजेशन हो गया है। तो उठिए, संगठित होइए, अपने देश को अपना देश बनाइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय सियाराम, हरिओम।